गौर से देखो इस इंसान को। हेलो, इसकी वजह से हम लोग लेट हुए हैं यार। वो ना बात ऐसी है, बस क्या बोलूं। मैं कह यार अभी तो चल जा, डंडे मार देगी अभी, रात को 9:30 बजे निकलूंगा वो कैमरा यहाँ से। अब वो वेट कर यार, तू आया नहीं, बात सुन। हम तो बुलाते रह गए तेरे को, और बाद में बोलेंगे यार तीन चार बार तुझे फोन किया, तुमने फोन ना उठाया। खाना कैसा था? आप मेरे YouTube वीडियो में आने वाले हैं। ओके जी, 1 2 3 इन कमरे यार, मतलब ये कमरे देखो यार, मैं तो मतलब इन कमरों पे फिदा हो गया। 5 कमरे हैं 5 इतने ही बड़े कमरे हैं। ये व्यू मिलेगा आपको सारे के सारे कमरों से। Good morning, good morning, and welcome back to Ghumakkar Soul, and welcome back again to the new vlog, new day, new trip, new vlog. Yes, I hope आप लोगों को लद्दाख आप लोगों को लद्दाख सीरीज के सारे व्लॉग्स पसंद आए हो। बहुत मेहनत करी है, बट आई नो बहुत सारी चीजें उसमें मिस हुई हैं जो मैं नेक्स्ट ट्रिप में जरूर कवर करूंगा जब भी मैं लद्दाख का प्लान बनाऊंगा। हाउएवर ये ट्रिप जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है, वीकेंड ट्रिप है, एंड ये दोस्तों के साथ ट्रिप है, एंड स्कूल के दोस्तों के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ। वी ऑल आर गेटिंग टुगेदर एंड गोइंग टू भीमताल, नौकुचिया ताल, नियर नैनीताल। राइमिंग हो गया। सो यस, सो वी आर गोइंग, अभी मैं बस घर से जस्ट निकला हूँ, एंड निकल के मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड अभिषेक दत्त के घर, उसको पिक करता हूँ। फिलहाल ये जर्नी आप इंजॉय करो, अभी चलते हैं दत्त के घर, उसको पिक करते हैं। क्या भाई, मैं तो पहुंच गया हूँ दत्त के घर, ठीक है, एकदम टाइम पे 5:35, बट राहुल गुप्ता वो बेचारा निकल चुका है एंड वो हमारा वेट कर रहा है। लेकिन अब कल्प्रिट मैं नहीं हूँ, लेट होने वाला कल्प्रिट जो है दत्त है, बिकॉज दत्त अभी तक रेडी नहीं है। तो चलो दिखाता हूँ उस इंसान को जिसकी वजह से अब ये हम लोग पूरा लेट होने वाले हैं। गौर से देखो इस इंसान को। हेलो, इसकी वजह से हम लोग लेट हुए हैं। ये तो डॉगी बैठा है ना, तो वीडियो बना रहा है, इसकी वजह से लेट हुए। इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें देख के आपको पता चल जाएगा। लोगों ने अभी दत्त एंड फैमिली को पिक कर लिया है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, राहुल गुप्ता के पास चल रहे हैं। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है? पाचम राइट ले। So, राहुल गुप्ता के पास जा रहे हैं। राहुल गुप्ता बेचारा आधे पौने घंटे से शायद वेट कर रहा है। पर एक सेकंड गाइस, उससे पहले हमें बाथसुन से बोतल उठाना है। ओह शिट, उससे पहले बाथसुन से इन्होंने कुछ स्टॉक उठाना है। सो वहां चलते हैं और उसके बाद से गुप्ता के पास, गुप्ता से मिलते हैं, एंड उसके बाद सीधा निकलते हैं भीमताल। उठा दे बोतल, उठा दिया। फिर रात को 11 बजे फोन आया, क्या कहते हैं कौन, फुगी का फोन आया था तेरे को? नहीं। हाँ, रात को कब आया? तो फिर उसे सिर्फ मैसेज ही किया। 9:30 मैंने कहा क्या कहानी है। हाँ। यार वो ना बात ऐसी है, बस क्या बोलू। मैं कहा यार मेरा सामान, भाई सामान ले ले तू। हाँ। अभी आ जा, चाहे कौन सा सामान। अच्छा वो बोतल का। मैं कहा यार अभी तो चल जा, डंडे मार देगी अभी, रात को 9:30 बजे निकलूंगा कैमरा यहाँ से, तो सुबह आ जाइयो, मैं नीचे आ जाऊंगा। मैं कहा बैग में लाइयो। हाँ हाँ हाँ। अब वो वेट कर यार, तू आया नहीं, बात सुन। हम तो बुलाते रह गए तेरे को। 2-3 मिस कॉल मार देना उसके फोन पे, पागल होगा। बाउंस दे रहा हूँ। नहीं नहीं, चले तेरे चक्कर में लेट और हो गए। नहीं हाँ, कि सिंगल रिंग डाल दे, और बाद में से बोलेंगे यार तीन चार बार तुझे फोन किया, तुमने फोन ना उठाया।
एडजस्टमेंट नहीं हो रही सीट की, क्या बात तुझसे होता क्या है बताऊंगा तेरे को हवा हवाई शिकंजी जैन का बोर्ड हट गया जैन शिकंजी फुकी के जानने वाले हैं सच्ची बस वो शिकंजी बंटे पे ही जी रहा है वो भी पिछली बार जब हम लोग गए थे हिमाचल तो इसी के बारे में बात हो रही थी जैन शिकंजी क्या अरे मेरा दोस्त है उसे सर ने मरोड़ा है हाँ। और एक लड़का है क्लास में, वो उसको कहता लेवल, मैंने कहा जैन ये सही था अपने वो हम अंकुर अरोड़ा को ले रहे अंकुर अरोड़ा कीड़ा मकोड़ा सड़क का रोड़ा सड़क का रोड़ा पहले तो कितने नाम निकालते थे इतना बुरा नहीं मानता था अब तो बच्चे बड़े जल्दी कुछ बोल भी दो तो चले पेरेंट्स आपस में लड़ने बैठ जाते हैं सही बात है विनी चरण ने मेरा सर फोड़ा हुआ था और सारे ने चिंगम चिपका दी थी ये देखो अभी तक गंज है साले रोड़ी मारी थी और जब खून माया तो चिंगम चिपका दी साले फिर एम आई रूम में गए शारदा मैम के पास उसने कैंची लेके ये बदतमीज नासपुटे क्या के बुलाओ तेरी माँ को तो आई नीलू मैम कहती ओहो चल 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 मैं मम्मी को बताऊंगा मम्मी को मत बताना वो बेचारी ने मम्मी को मम्मी कैनरा बैंक में दी जब रोटे पार्क एक्सटेंशन में जब घर आया तो मम्मी कहती ये क्या गंज कराया है फिर हंसता वो ऐसी था मनु पढ़ना बोल जाता है ऐसे अपना अच्छा एक डाउन होने के बाद फिर तो वो चारा माता का शेर बन जाता है अच्छा ला हाँ ठीक है बस पीछे से एक पोक कार आती है तुम चल रहे हो कि मैं जाऊं हेलो तो वो बोलता ही नहीं है सही बात है हेलो नहीं बोलता हाँ क्या कर रहा है और ज्यादा परेशान हो तो कहे हाँ अभिषेक बोल हाँ यार करण बोल बेच के खाने वाला तो फोकी है कब किसी की डील कराया था पता ही नहीं और ऐसे बोलते बेचारा जैसे लोला नहीं होता गरीब सा ए भाई ये ऐसे होता है अच्छा सबसे मोटी सामी सही बात है सही खड़े खड़े अच्छा खुद बिना पूछे इधर उधर इन्वेस्ट करेगा जब नुकसान हो गया तो बात सुन यार नुकसान हो गया यार देख करवा तो दूं तेरा काम लेकिन तू करेगा नहीं वो थोड़ा दो नंबर का काम है यार तू छोड़ नहीं यार तुम शरीफ लोग हो यार मैंने देख लिया यार तुम्हारी मकान की डीलिंग में तुम्हारे बस की नहीं है यार तू सीधा सीधा ही चल कहाँ रुके हुए हो ये तुम्हारा लोकेशन तो रुका हुआ दिखा रहा है गुरुद्वारे के आगे नेटवर्क निकल गया शिवा ढाबा आएगा शिवा ढाबा निकल गया तुम्हारे यहाँ से झिलमिल ढाबा पे रुक जाते हैं चलो अब आगे तो फिर बहुत तो शिवा ढाबा पे रुक जाओ हाँ चलो बीकानेर वाले पे रुक जाओ शिवा ढाबे पे खाना अच्छा मिलता है शिवा ढाबा रुक जाओ किसी पे तो रुक अच्छा जाओ पर रुक जाना किसी पे तो भाई ऐसा है एटलीस्ट 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम लोग गढ़ मुक्तेश्वर पहुंचे हैं और यहाँ पे ग्रैंड झिलमिल ढाबा है जहाँ पे हम रुके हैं एंड माय फ्रेंड राहुल गुप्ता इज आल्सो हियर तो अब यहाँ पे हम यहाँ से हम इकट्ठे होके एक साथ अपनी भीमताल की जर्नी शुरू करेंगे सैयद जो मेरा दूसरा फ्रेंड है एंड गुल जो एक और फ्रेंड है ये दोनों लोग जो है ऑलरेडी निकल चुके हैं बट उनको यहाँ पे पहुंचने के लिए ढाबे पे पहुंचने के लिए कम से कम एक सवा एक घंटा लगेगा उतना तो वेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सो हमने उनको फोन कर दिया है एंड वी विल मीट देम इन भीमताल डायरेक्टली तो अभी चलते हैं जल्दी से पेट पूजा करते हैं बहुत तेज भूख लगी है एंड आपको राहुल गुप्ता लोगों से ही मिलाते हैं हाय यू आर मेकिंग अ डेब्यू उठो आगे करो चेयर
और गुप्ता इसके हाल चाल है? बढ़िया है। एक और बढ़िया चाय, मीठी चाय। एक और नया ट्रिप सोता हुआ है पूरा। भाई ये जो पीछे मेरे ढाबा है ना, ग्रैंड झिलमिल ढाबा, अगर आप लोग कभी इस हाईवे से जा रहे हो टूवर्ड्स नैनीताल हल्द्वानी एंड ऑल, ये ढाबा गढ़ मुक्तेश्वर में पड़ता है आपके रास्ते पे, इस ढाबे पे मत आना यार। खाना इतना ग्रेट नहीं है एंड सर्विस तो एकदम बेहाल है। मतलब आपको एक ऑर्डर दोगे और उसका वेट करने में आपको एक घंटा लग जाएगा। हम लड़ झगड़ के यहाँ से निकल रहे हैं, सही कह रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, मत आना इस ढाबे पे। हम लोगों ने कैसे अपना गुस्सा शांत किया मैं जानता हूँ, और हमारे जैसे ऐसे और कितने कस्टमर्स थे बेचारे जो खड़े हुए थे, बेचारे बैठे हुए थे, यहाँ तक कि सेल्फ सर्विस करनी पड़ रही है भाई साहब, किचन काउंटर से जाके अपनी प्लेट खुद उठा के लानी पड़ रही है। खाना कैसा था? सैयद बोल जलमी में बहुत बढ़िया खाना वहाँ पे। हम नहीं खा पाए इसका मतलब कोई भी नहीं खाएगा। लड़ी हेल, दिमाग खराब। मतलब मैंने पहली बार किसी ढाबे पे देखा है कि कस्टमर जो है खुद अपनी प्लेट उठा के लेके जा रहा है। हाँ, छोले भटूरे खुद उठा के प्लेट लेके गया है बंदा बेचारा। ये बड़ा अच्छा मॉडल है रेंज रोवर का। बाहर में यार रेंज रोवर यहाँ से घर पेट खाना नहीं मिला। पता नहीं किस किस ग्रह क्या ग्रह चढ़े थे जो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोक लिया आके। पेट्रोल डीजल अच्छा खासा बीकानेर वाला जा रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ शिवा ढाबा। अब तो अब मामा यादव चौधरी, शक्ति चौधरी। मतलब एक मूड होता है खाने का, चाय चाहिए होती है साथ में यार। चाय बढ़िया थी यार। मतलब चाय आपको मिल जाए ना ट्रिप पे तो आधी ट्रिप तो वैसे ही सफल हो जाती है। तो भाइयों सीख नंबर एक, इस हाईवे पे आओ लेकिन शिवा ढाबा खूब सारे दिखेंगे। रुकना है अगर शिवा ढाबा पे, सिर्फ मामा यादव शिवा ढाबा याद रखना। मिस हो गया हमसे जो कि हमने ट्राई नहीं किया, जो कि ट्राई नहीं किया। मैंने किया हुआ मूर्थल वाला, लेकिन ओरिजिनल शिवा ढाबा जो मामा यादव वाला है, शक्ति चौधरी वाला नहीं है। हमने नए के चक्कर में ट्राई कर लिया क्योंकि हमारा दोस्त राहुल गुप्ता रुका था ग्रैंड झिलमिल ढाबा। झिलमिल आ गए हम लेकिन खाना नहीं मिला। अबे यार तू तो सही है यार, तीन चार बार तेरे को कॉल किया सोता रह गया तू। भाई तीन मिस कॉल मारी है और तेरे घर के नीचे भी है। मैं कहा चल छोड़ फिर क्या डिस्टर्ब करें, आधा घंटा लेट और होगा उस चक्कर में। अबे इतना टाइम थोड़ी था, तूने कहा तू नीचे आ जाएगा, तू उठा ही नहीं सारे। मैं कहा आता मैं आंटी सुबह सुबह क्या फिर सुबह सुबह ये तकलीफ है। आंटी कहते खराब लेने आ गया। क्या बात कर रहे हैं, कारण बताइए जरा। मेरे सामने की बात है, मैंने इसको बोला भाई जल्दी फोन कर इसको। देखिए नहीं इसका मतलब क्या है यार। फुगी कट गया। हेलो। हाँ यार करी थी यार तुझे। फिर भाई तू ऐसे मत किया कर यार। मैं मेरा तो अबे यार अच्छा थोड़ी ना, मैं पैकिंग करता हूँ उस टाइम, शाम को बोतलें लेने आता, बता मुझे यार। गलत बात है यार ये फुगी यार। यार अब अभी तो यहाँ क्या करो, गजरौला। हाँ तू आ जा लेकर ना, कल आ जा। अभी तक एक भी हमें टोल ऐसा नहीं मिला है जहाँ पे हम एकदम स्मूथ निकले हो फास्टैग यूज करके। हर टोल पे गाड़ियां रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, फास्टैग काम नहीं कर रहे, मैनुअल स्कैनिंग हो रही है। अभी मैं गजरोला टोल पे हूँ, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। यूपी साइड के हाईवे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एटलीस्ट इस वाले स्ट्रेच में तो सीरियसली there is no smooth movement at all. On the contrary, naam hai fast tag. और fast tag जो है इस टाइम पे एकदम slow tag हो रखा है. Fast tag लेने का फायदा ही नहीं लग रहा है इस वाले रूट पर. Anyways, चल रहे हैं धीरे धीरे, हमारी मजबूरी हमें जाना है. गुड मॉर्निंग जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, क्या हाल है रुद्र भाई? अच्छा यार ये गजरौला क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक बड़ा दिखा रहा है, चार घंटे साढ़े चार घंटे बता रहा है, अभी भी 172 किलोमीटर आएंगे। भूख लगेगी, लंच जरूर रख लेना, ढाई तीन बजे तक पहुंचेंगे हम लोग। हाँ जी, चार फैमिलीज हैं, सात बच्चे 10 एडल्ट। ठीक है
ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो गजरौला क्रॉस कर लिया है, यहाँ से कुछ 170 किलोमीटर है, लेकिन 170 किलोमीटर कवर करने के लिए हमें 4.5 घंटे का टाइम बता रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, हो सकता है मुरादाबाद में हो या हो सकता है हल्द्वानी में हो, आई डोंट नो जी कहाँ, बट कवर करना पड़ेगा ज़रूर। तो जल्दी से कवर करते हैं क्योंकि रोड अच्छी है, फ़ायदा उठाना चाहिए। बस अभी 45 किलोमीटर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन से हैं, हमें लगेगा 2.5 घंटे, सॉरी 2 घंटे। हमने रुद्रपुर क्रॉस किया है, पंतनगर क्रॉस किया है, यहाँ से हमें और 2 घंटे लगेंगे। जो जर्नी हमने सोची थी 6-6.5 घंटे की होगी, वो एक्चुअली 8-9 घंटे की होगी। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। अभी बहुत तेज लू ब्रेक चाहिए, आई विल टॉक टू यू लेटर। ये इनिशियली बहुत मेहनत के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद हमने फाइनली चेक इन कर लिया है, एंड बहुत अच्छा लोकेशन है, यू कैन सी द व्यू। ये पूरा लोकेशन है, और अगर मैं आपको बेडरूम दिखाऊंगा ना तो भाई साहब आप खुश हो जाओगे। फुल फैमिली बेडरूम, ये देखो। सो दिस इज़ द होल बेडरूम, एंड ये ऊपर मचान है। सो अगर आप फैमिली हैं, यू कैन टेक दिस रूम, इट्स अ लवली रूम विद अ लवली व्यू। कम ऑन, आई विल शो द व्यू। अच्छा एक बात सुन, दो कमरे नीचे बड़े वाले हैं, हॉल टाइप साइज के, ठीक है, जिसमें डबल बेड और एक्स्ट्रा बेडिंग लग जाएगी। सो दिस इज द होल प्लेस, एंड ये देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नई प्लेस है, बहुत ही न्यूली डेवलप्ड प्लेस है, बट इसका व्यू बॉस देखने में बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ से वी कैन सी ऑल द पैराग्लाइडर्स, पूरी पैराग्लाइडिंग इस एरिया के अंदर हो रही है। सो गाइज, गुड लोकेशन, वेरी पीसफुल। ये भीमताल भी नहीं है, करेक्शन, दिस इज नॉट इन भीमताल, दिस इज इन नौकुचिया ताल, जो भीमताल से थोड़ा सा और आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाके पड़ता है। सो वेरी वेरी पीसफुल, वेरी वेरी काम लोकेशन, दिस इज द होल प्रॉपर्टी। ये व्यू आप देखो, और साथ में ये इतनी बड़ी हमें बालकनी मिली हुई है, और ये पूरा सिट आउट एरिया हमें हमारे लिए है पूरा। ये सारे बेडरूम्स के साथ आपको ये पूरा मिलेगा देखने को। सो लवली प्लेस है ना थियारा, हाउ डू यू फील, लवली? सो गुड प्लेस। थोड़ी देर में फ्रेशन अप होते हैं गाइज, थोड़ी देर में मिलता हूँ क्योंकि थोड़ी सी थकान हो गई है। रास्ता जो था, जो 6.5-7 घंटे का होना चाहिए था, वो 8-9 घंटे का हो गया। सो रेस्ट करते हैं, लंच करते हैं, एंड उसके बाद आपसे जरूर मिलते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यार लंच टाइम है, और इस व्यू के साथ लंच करेंगे हम। खाना बहुत अच्छा है, थैंक यू। बाकी कुछ का टेस्ट कैसा हो, शाम को चिकन बढ़िया बनवा देंगे, खूब बढ़िया खिलाएंगे, याद करेंगे लखनऊ का चिकन खिला देंगे। अरे ये अच्छा बोले आप, चिकन मसाला बनवाएंगे फिर अगर लखनऊ का बोल रहे हैं ये तो। देखो ऐसा है, फाइनली हम लोगों ने चेक इन भी कर लिया था जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड उसके बाद हमने लंच भी कर लिया है। लंच वॉज लवली, बहुत अच्छा कुक किया हुआ था लंच, हम लोगों ने दाल चावल रोटी सब्जी सब खाया, एंड इट वॉज एकदम होमली खाना था यार, बहुत अच्छा लगा खा के। एंड कमरे यार, मतलब ये कमरे देखो, मैं तो मतलब इन कमरों पे फिदा हो गया हूँ। ये पूरा का पूरा जो घर है, इसमें 5 कमरे हैं, 5 इतने ही बड़े कमरे हैं,
एंड इन कमरों का ये सारा व्यू है, मतलब ये व्यू मिलेगा आपको सारे के सारे कमरों से। दो कमरे यहाँ पे नीचे हैं, तीन कमरे ऊपर हैं एंड बहुत ही स्पेशियस एरिया है। अब यहाँ पे हम सुस्ताएंगे, रेस्ट करेंगे। शाम हो चुकी है, शाम के 4:30 बज रहे हैं एंड हम लोग अभी भी सैयद एंड गुल का वेट कर रहे हैं जो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। रॉयल्टी की फीलिंग आ रही है सीरियसली। सो गाइज, नॉट अ बैड प्लेस, इट्स अ लवली प्लेस। एंड एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है बहुत ही न्यू प्रॉपर्टी है। सो आइए एक्सप्लोर करिए। थोड़ा सा रास्ता नौकुचिया ताल से इसका अंदर आने का अप्रोच रोड जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, बट इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है कि आप लोग आ ना पाएं। तो आइए प्रॉपर्टी इन्जॉय करिए, एक्सप्लोर करिए। मेरा गंजा घर आया। ओ राम जी, उतर जाना था ना तुम्हें हल्द्वानी में। क्या हाल है? मैं लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। ये स्पेशली क्या शेव करा गया है? कैसा भाई? मैं लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। जगह तो अच्छी है, टाइम देखा ना, ऐसे ही होंगे। मैं तेरे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डालूंगा मैं। भाभी आ सकती है, लड़की छोड़ दे, भाभी आ सकती है। भाई फिर जैसा आप लोगों ने देखा अभी कि सैयद की फैमिली भी आ चुकी है एंड गुल की फैमिली भी आ चुकी है और हम लोग सब अब मिल बैठ के हम लोगों ने चाय वगैरह पी है एंड अब जो है थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो है देखो आप, सनसेट भी हो रहा है, मुझे नहीं पता आपको दिख पा रहा है या नहीं, बट सनसेट भी हो रहा है। सो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, शाम के 5:30 बज रहे हैं इस टाइम पे। सो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं 1 घंटा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बट आज का कुछ प्लान हमने किया नहीं है, वी विल जस्ट सिट एट द होम स्टे। शाम को अपना आराम से थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, थोड़ा चिल आउट करेंगे, थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे एंड उसके बाद फिर कल का प्लान भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा डिस्कस करके सबसे। फिलहाल के लिए मैं थोड़ी देर के लिए गुड नाइट हो रहा हूँ, आप लोग बने रहो। डॉक्टर ने आया, डॉक्टर आओ, उनका भी चेक कर दो। डॉक्टर ने आया, डॉक्टर ने आया, इन अंकल का चेक करो, इन अंकल का। और ये वाली दवाई प्रिस्क्राइब कर दो जरा सबको। क्या है इनके भी कीड़े मकोड़े हैं, इनके बहुत बड़े कीड़े हैं। डॉक्टर ने कहा सारा पी लो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, दवाई पीनी नहीं पीनी, दवाई पीनी है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इधर देखो हैप्पी बर्थडे, आप मेरे YouTube वीडियो में आने वाले हो। ओके जी, 1 2 3 मोमबत्तियां पिघल रही है, प्लीज एक छोड़ देना। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शोभा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, God bless, God bless, happy birthday, yay! So guys, finally हम लोगों ने जो है अपना पार्टी का एकदम स्टार्ट शुरू कर दिया है। ठंड हो गई थी थोड़ी तो मैंने स्वेटशर्ट पहन ली है एंड मैं अब आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अब इस पार्ट का एंड करना है। जैसा कि आपने देखा, वी ऑल आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। मेरे फ्रेंड की वाइफ का बर्थडे भी था, सो आज हमने वो भी सेलिब्रेट किया है एंड प्लस हम लोगों का ऑलरेडी गेट टुगेदर चल रहा है, सो इट इज़ अमेजिंग।
वेदर बहुत अच्छा है, मून राइज आपने अभी देखा पीछे, सनसेट का टाइम लैप्स आपने देखा अभी पीछे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। सो इस ट्रिप का पार्ट वन मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। पार्ट टू में आपको कल सुबह ज़रूर मिलेंगे, एंड बने रहो, बस पार्ट टू बहुत जल्दी आने वाला है। बट फिलहाल के लिए इस पार्ट वन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट 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 सपोर्ट। साथ में रहना, पार्ट टू में आपको लेके चलेंगे पैराग्लाइडिंग के लिए एंड कुछ एक दो और जगहों के लिए, थोड़ा सा घूमना फिरना लोकल वो सब होगा, एंड ऑब्वियसली फिर अपना दिल्ली का वापस गोइंग बैक जर्नी भी शुरू हो जाएगा। सो पार्ट टू विल बी ऑल अबाउट दैट। आई होप आप लोगों को ये पार्ट वन जो हमारी जर्नी दिल्ली से शुरू होके यहाँ नौकुचिया ताल तक आई है, और उसके बाद जो जो मैंने आपको नज़ारे दिखाए हैं, जो जो अभी हम लोगों ने मस्ती मारी है, आप लोगों को अच्छी लगी हो। गाइज माई चैनल इज ओनली फन ट्रैवल चैनल, सो मैं आपको वही दिखाऊंगा जब मैं ट्रैवल करते हुए जो फन करता हूँ वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, सो दैट आप लोग उसको देख के हैप्पी हों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहें। सो गाइज कहीं कुछ कमी रह जाए तो ज़रूर फीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा, एंड अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल, यू टेक केयर, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ कमिंग अप वेरी सून, पार्ट टू ऑफ भीमताल ट्रिप। See you, good night, God bless, love you all.